यहाँ से बाजू हो जाओ, यहाँ से हट जाओ। अरे ये आग कैसे लग गई? उसने मेरे घर को जला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब कैसे हो गया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। सब एक लाश मिली है। क्या ये लाश तुम्हें मिली है? हाँ साहब मिली है। उन्होंने चालाकी से मेरे घर को जला दिया। मेरे घर की सबसे होनहार बच्ची थी मेरी बेटी। प्लीज चुप हो जाइए। जंगियो क्या करे बेटी? रोना बंद करो, मालिक कुछ पूछ रहे हैं। इस नगर में आपके कितने लोग मारे गए हैं? आपको मेरी मदद करनी ही होगी। सुंदरवन नगर की महारानी मिस चिंगी और उनकी नौकरानी आग में थे, कृपया उन्हें बचाएं। साहब हमने देख लिए, लाश के सिवा कुछ नहीं मिला। चलो यहाँ से। जी। शाही दफ्तर से चिट्ठी आई है, शाही दफ्तर से चिट्ठी आई है, शाही दफ्तर से चिट्ठी आई है। आप कौन है? हाँ? ये मंत्री जी लॉर्ड पी हैं। ये लगा लगा हमेशा इतने कम पैसे क्यों लगाते हैं? लॉर्ड लियांग। हाँ? क्या बात कर रहा हूँ? छोड़ो। अरे ये मेरा है। क्या हुआ इस बार? अरे नहीं नहीं, शाही दफ्तर से चिट्ठी आई है, कृपया इसे देख लीजिए। चलो चलो मेरी बारी है। लो तो मेरा है, मुझे वो दो। हां हां सही से ये लगाओ। इस बार मेरा इतना कुछ भी हो इसको घुमाओ। हां सही है। ये वैशाली जल चुका है और कुछ मौतें हुई है। ये लोग शाही दफ्तर को पता लगाने क्यों कह रहे हैं? हां क्यों नहीं, मैं देखता हूं। ये मेरी चाल रही है। चलो चलो मेरी बाजी लगाओ, मुझे दो। ये लो जल्दी लगाओ। हां हां लगा रहा हूं, ये मेरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो जल्दी लगाओ, देर मत करो। ये देखो ये। जरा सुनिए, क्या हम सुंदरबन नगर जा रहे हैं? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। पहले सैनिक अपना काम करेंगे, उसके बाद दस्तावेज देखेंगे। तो ये हमला नहीं है? मुझे डर है कि ये कई लोगों को शामिल करेगा। रुक जाओ। एक बार देखिए, लीजिए दुनिया की खूबसूरत पेंटिंग। एक बार देखिए वरना पछताएंगे। जल्दी जल्दी आइए। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है, इसमें ताकत और सौम्यता की मिलावट है। जरा देखिए तो। ये चित्रकार कौन है? ये चित्रकार का नाम है पेइजुन। ये पेंटिंग जो है ना, ये उनकी सबसे आखिरी कलाकारी है। और ये पेंटिंग हो जाने के बाद वो रेगिस्तान चले गए थे, और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि वो मारे गए थे, बहुत बुरी मौत मिली। दरअसल मैं इस पेंटिंग को बेचना नहीं चाहता, लेकिन रास्ता नहीं है, मजबूरी है। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। ये आपके पैसे। आइए और देखिए। चल रुको। सुए नन। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? रुक जाओ, एक बार फिर तुम मेरा नाम लेकर लोगों को ठग रहे हो। ए, रुको। ए, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे, अरे रुको। नहीं 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 रुको। सुंदरबन नगर में कोई मारा गया था, सैनिक वहां क्यों गए थे? हाँ, और गायब मंत्रालय को क्यों सुलझाना है? हाँ, तो एक आदमी मारा क्यों गया और दो गायब क्यों है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे क्या मिलेगा अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? तुम्हें तो पता ही होगा ये काम इतना आसान नहीं है। लगता है तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो, है ना? 6 महीने देता हूँ, ठीक है? 1 साल। ये नामुमकिन है, केवल त्योहार तक, समझे?
ठीक है फिर। हे मेरे मेहमान जासूस, तुम अपनी बात पर अड़े नहीं हो? बात पे अड़े नहीं हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? तुम हर वक्त मेरी शराब पीते हो, मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या क्या सुराग मिले हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हो तुम? मुझे क्या पता कि मैं क्या करूंगा। तो फिर? अरे तुम्हारा क्या मतलब है? बताओ किसने भेजा तुम्हें यहाँ? तो जिस दिन यह हादसा हुआ था मैं उस हादसे की जगह पर मौजूद था और मैंने ये देखा कि सुंदरबन नगर के दो लोग गायब हैं। उसमें से एक वैश्या है और दूसरी उसकी नौकरानी, और जो मर चुकी है वो उसकी नौकरानी है। अरे तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें लाश भी देखने नहीं मिली, फिर तुमने कैसे पता लगा लिया कि नौकरानी ही मरी थी? ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये चैंगेन की बात है, दक्षिण की वैश्याएं उत्तर की वैश्याएं से काफी अलग है। वैश्याएं जो दक्षिण में हैं, वो काफी कानूनी तौर पर काम करते हैं, और उत्तर की वैश्याएं गैर कानूनी तरीके से। जहाँ पर हादसा हुआ सुंदरबन नगर, वो चैंगमैन के उत्तरी दिशा में आता है। और ये इतनी खूबसूरत औरत जो सुंदरबन नगर में है, ये काफी अजीब बात है। हाँ अजीब है, जरा सोचो क्या बात है। लोग अक्सर अच्छी जगह पर जाना पसंद करते हैं, तो मुझे बताओ ये इतनी खूबसूरत औरत गैर कानूनी तरीके से क्यों काम कर रही है? जल्दी आइए, अरे मेरे साथ मजे कीजिए, मजा आएगा। आइए आइए आ जाइए। हाँ हाँ इधर, ये मेरा है, मेरा मेरा, अरे मेरा है, मेरा है, अरे मुझे मेरा, मुझे दो, ये मेरा है, मुझे दे दो, अरे मुझे दो, चाहिए। अरे क्या हुआ, कुछ हाथ नहीं लगाना। जैसे कि एक कहावत है, आम दिनों पर दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं देता, लेकिन आज लोग भारी संख्या में आए हैं। लेकिन उसने ये भी कहा था कि वो एक इंसान का इंतजार जिंदगी भर करेगी। कौन? हमारे महाराज का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने सबके साथ सोने के लिए मना नहीं किया, उसके कई रिश्ते थे बहुत से लोगों के साथ। तुमने बहुत कुछ बताया, पर तुमने ये नहीं बताया कि आखिर नौकरानी ही क्यों मारी गई, और वो नहीं उसके कपड़े। जिस दिन यह हादसा हुआ उसके कपड़े काफी झुलसे हुए थे, और अगर तुम राख को देखो तो वो कपड़े रुई के बने थे, रेशम के नहीं। और वो जो इतनी प्रसिद्ध महिला है, इतने सस्ते कपड़े तो नहीं पहनेगी ना। अच्छा, इसलिए अब हमें उसे ढूंढना है जो गायब हो चुकी है, फिर ये मामला जल्दी से सुलझ जाएगा। हाँ सही कहा, अगर वो आसानी से मिल जाती तो शाही सैनिक ये काम मुझ पर नहीं सौंपते। हाँ, और ये यूनुच यंग, ये इस मामले में नाक क्यों घुसा रहा है? इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि एक विषय ने इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया? क्यों माँ? अब उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। इनन, तुम्हारी पहचान कराता हूं, मैंने खास तौर पर इस मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया है।
तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अच्छा तुम मुझे कम समझते हो। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं ये मेरा पीछा नहीं करेगी और अगर इसने किया तो मैं ये मामला छोड़ दूंगा। तुम ना थोड़ा आराम से काम लो, मेरा तुम्हें बताना फर्ज था, यहाँ जुबान की कीमत होती है। लेकिन मुझे तुम्हारे मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ ये तो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लगता है तुम मुझे जबरदस्ती कर रही हो कि जो मैंने नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, ये केस खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी सुलझने वाला है, लगता है काफी वक्त लगेगा। क्या मैं ये मामला सुलझा नहीं सकता? ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, और तो और मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बताओ जिसकी मौत हुई उसका नाम क्या है? उसका नाम जिंग्यूई है और नौकरानी का होंग। कौन मर चुका है? वो तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे बताओ कि जिंग्यू यहाँ पर कितने सालों से है? मेरे ख्याल से वो यहाँ 6 महीने से है। और ये बताओ कि जिंग्यू का असली नाम क्या है, वो कहाँ से है? इस जगह के अलावा उसकी कोई और जगह है रहने के लिए? जनाब मैंने अभी अभी ये सारी जानकारी उन अधिकारियों को दी है जो अभी अभी चले गए। तो मुझे वापस बताओ, लिखना शुरू करो। मैंने उनसे नहीं पूछा कि वो कहाँ से आई हैं। उसने कहा वो चांगान अपने रिश्तेदारों के पास आई हैं, लेकिन उनका पता भूल गई इसलिए वो मेरे यहाँ रह रही थी। देखिए जनाब मुझे इतना ही पता है उनके बारे में। मैंने लॉर्ड ली को काम छोड़कर घर जाने के लिए कहा, और कोई है जो पीठ पीछे बातें कर रहा है। महाराज सब लोगों की इस पर अलग अलग राय है। महाराज लॉर्ड न्यू और लॉर्ड ली उनकी कई सालों से आपस में बनती नहीं है। आपस में बनती नहीं, सही कहा। तुम्हारे हिसाब से मेरे लिए क्या करना सही रहेगा? मेरे हिसाब से बताओ मुझे मैंने क्या गलती की है। मुझे नहीं पता, मुझे माफ कीजिए। एक मोती को धागे में ठीक से पिरोना चाहिए, उसे कुचलना नहीं चाहिए, सही कहा ना? हाँ मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहता हूँ महाराज। अगर मैं अपनी सारी हिम्मत एक साथ भी जुटा दूँ तो भी उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता। महाराज सुनिए, मंत्रालय से खबर आई है। इनुचियांग, आपको प्रणाम पिताजी। तुम जा सकते हो, यहां पर आओ। जी आज यहां किस लिए आए हो?
मैं जिंदा हूँ या नहीं ये देखने के लिए? आप शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छी बात है, है। गरम पानी ले आओ। ये लीजिए। क्या दफ्तर में कुछ गड़बड़ है? हाँ पिताजी, सरहद पार तनाव का माहौल है। मुझ पर कितनी सारी मुश्किलें हैं। महाराज तो काफी चतुर है, हम जैसे पुराने नौकरों का क्या फायदा उनके होते हुए। पर अभी भी मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। अगर ये हमारे लिए नहीं होता तो महाराज कभी राजगद्दी पर नहीं बैठते। सही कहा, लेकिन पिताजी हालात अभी पहले जैसे कहां रहे हैं। लोग इज्जत तो करते हैं, लेकिन आपकी? हमें लड़ना ही नहीं, टक्कर भी देनी है। तुम जरा दिमाग से काम करो। जी। लीजिए लीजिए, अद्भुत चीज है, एक बार देखिए तो। अरे नजर तो डालिए, आइए आइए देखिए, बहुत ही अच्छी चीज है, कमाल की है। एक बार लेकर ये कवि यहाँ क्यों रह रहे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए आइए। इसमें ना समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर काफी सारे हैन के लोग व्यापार करते हैं, कई लोग तो पश्चिमी रेगिस्तान से भी आते हैं। तो ये वांग गुचान वो आधा हू वंशज का है। उसके पिताजी पश्चिमी इलाके के वकील थे। वो परिवार के पूरा विरुद्ध था। उसे कविता और पेंटिंग का बहुत शौक था। उसका नाम भी इस मामले में शामिल है। अरे परेशान क्यों होते हो, एक बार लेकर तो जाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हम है ना। काम का तुम भी ना। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे साहब से मिलना चाहता हूँ। त्रिवेंग भागो, कर्जा वसूलना है। अरे कहाँ है वो? शायद खिड़की से भाग गया। जिंग्यू कहां पर है? मुझे क्या पता। उसकी मौत नहीं हुई है और तुमने उसे दो दिन में देखा ही होगा। कौन हो तुम? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मिस जिंग्यू कहां पर है तो शायद वो मर सकती है। और तो और, वो एक बार बच सकती है, दो बार नहीं। बदकिस्मती से जिंग्यू आग में जलकर मर गई और ये सब जानते हैं कि वो कितनी जवान थी, पर अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो हो गया। यहां पर तुमने काफी पेंटिंग्स की है। खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है, मैं उतना काबिल नहीं हूं और मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। और अब इस बात का मुझे पछतावा हो रहा है। इन दो दिनों में तुमने कोई पेंटिंग नहीं बनाई? वो चली गई है, अब उसे कैसे याद करें? ये जगह देखकर ऐसा लगता है तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई। एक इंसान काफी काबिल होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि पूरी दुनिया को ठगना चाहिए? ज्यादा चालाक मत बनो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहां औरत के इत्र की खुशबू आ रही है।
अगर आपको सच बताऊं तो मैं किसी से प्यार करता हूं। कभी कभार वो मेरे घर आती है। वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। तुम्हें जानना है कि ये मैंने कैसे पहचाना कि वो झूठ बोल रहे हैं? उस इत्र की खुशबू ने उसका मुंह खोल दिया। हाँ? मुझे लगता है झिंगुई को जरूर वैंग गुचान ने ही छुपाया है। चलो वापस चलते हैं। हाँ? अगर तुम वापस झिंगुई के पास चली गई तो मुझे लगता है कि हम इस गली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वैसे लॉर्ड पे ने तुम्हें मेरे साथ किसी और बहाने से रखा है, नहीं? चुप रहो। तब तक मैं जरा इनसे निपट के आया। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं कि मैं एक मार्शल आर्ट का गुरु हूं। पहले ही कह रहा हूं पीछे हट जाओ, वरना इतना पिटोगे कि नानी याद आ जाएगी। ए टकले, चल घर निकल। निकलते हैं जल्दी जल्दी। मेरी मदद करो। मुझे यकीन नहीं आता शाही सैनिक लुटेरे बनकर आए थे। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे मार रहे हैं। बचाओ मुझे यहाँ से। वो भूकंप काफी अजीब था। हाँ, अरे बहुत अजीब ही था। लॉर्ड गुओ, लॉर्ड गुओ, आपको प्रणाम महाराज। जीते रहो, बाकी सब बाहर जाओ। जैसा आप कहें महाराज। तुम लोग भी जाओ। जी महाराज। एक छोटा सुराग हादसे की वजह बन सकता है। राजधानी में भूकंप आया था, ये अच्छा संकेत नहीं। महाराज, मैंने सुना है कि तुबो राज्य और शूल राज्य सीमा पर सैनिकों की झुंड बना रहे हैं आक्रमण करने के लिए। मेरे सामने कई सारी मुश्किलें हैं। मैंने न्यू ओरली को निकाल दिया है। वहां का कानून भी अलग है। किन्नर भी राजनीति में है। महाराज, घरेलू मुद्दों से निपटने से पहले हमें बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा। उन्होंने सैनिक भेजे हैं। मुझे डर है कि हम हार जाएंगे। मेरा एक सुझाव है। तो तुम्हारी क्या राय है? शुला राज्य में एक राजनायिक भेजेंगे और वो भी गुप्त रूप से। दुबा राज्य के लिए वो हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वो सहयोग खो देते हैं तो। चलो। देखो मेरी बारी है। लॉर्ड लियांग, तुम खेलो। लॉर्ड पी, चलो खेलो। वैश्यले मामले का क्या हुआ? वो कैसा चल रहा है? आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को जल्दी सुलझा दूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ, चलो जल्दी खेलो। कुछ और ना हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? लॉर्ड पी, हाँ मैं खेलता हूँ ना। अरे रुको ना, कुछ ऐसा है जैसा करने की हमारे बस की बात नहीं, यहाँ तक कि आपकी भी बस की बात नहीं।
बेहतर यही रहेगा, इस मामले को भूल जाओ। अरे चलो 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 खेलते। आज चंद्रमा की रात है, क्यों ना साथ में शराब पी जाए। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे परेशान किया गया है पूरे दिन 10 से अधिक ताकतवर पुरुषों द्वारा। मुझे पता नहीं उन्हें ये खबर कैसे मिली, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। शुक्रिया मुझे यहाँ रहने देने के लिए। ये खरीदार मुझे पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। मैं एक दुर्भाग्यशाली हूँ और मैं कभी एक जगह नहीं रही। किस्मत से मैं उस आग में बच निकली, अब मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। तुम रेशम गहने और नूर की सुंदरता से घिरी रहती हो। आज तुम्हारे अनुभव को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गाने पर अकेला ही नाच रहा हूं। प्यार 18 साल से मेरी पहुंच से बाहर ही है। मिस्टर वांग, मिस जिंग्यू, देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। कौन है वहां? बाहर आओ। एक बुरी खबर है, ऐसा लगता है वो लोग फिर से आ गए हैं। हमें यहां से निकलना होगा। इधर। जरा अपने कपड़े तो देख लो, तुम लोग तो वही हो ना, शाही सैनिक। शाही सैनिक वो क्या है? चाहे जो भी हो। अल्मा मेरी मदद करो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो चला गया। ये कौन सी जगह है? वो फिर से नाक के नीचे से भाग गए। भाग गया क्या जिंग्यू? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? हंसो मत, वो पश्चिमी लोगों के पीछे पड़ जाओ, शायद कुछ सुराग मिले। पश्चिमी लोग? जाओ ढूंढो उन्हें। मिस जिंग्यू आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये यकीन करना मुश्किल है कि तांग राजवंश की राजधानी में ऐसे डाकू होंगे। मुझे लॉर्ड गियो को मिलना है। क्या तुम सच में उनके दोस्त हो? निश्चित रूप से, लॉर्ड गियो और मेरे पापा अच्छे दोस्त हैं। मैं सफल नहीं हूँ इसलिए मुझ में हिम्मत नहीं है उनसे मिलने की। ये अच्छी बात है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर लॉन्गशैन का मंदिर है, मुखिया भिक्षु गुआंगजी है, हम अक्सर एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं, हम वहाँ कुछ दिन रह सकते हैं। अमिताभा,
आइए आइए, आपका स्वागत है। मुझे बताइए आपने ये जगह क्यों ढूंढी मंदिर में? हमारी और भी अच्छी जगहें हैं, आप वहाँ पर जाइएगा, इस तरफ। जैसे कि वो एक औरत है, हम यहाँ महफूज रहेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक हमसे मांग लीजिएगा। हाँ पिताजी। क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, महाराज मुझसे प्रसन्न नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज का अपना विचार है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन पिताजी, अगर आप इस मामले में कोई कदम नहीं उठाते तो मुझे डर है कि कहीं हम सारे खत्म ना हो जाए। क्या थाली टूटी हुई है? जब तक मैं यहाँ हूँ ये टूट नहीं सकती। चलो चलो चलो। शिलराज जी ने घूमो राज्य को हराया और सीमा पर सैनिकों को जमा कर रहा है, वो युद्ध छेड़ेंगे। महाराज, शिलराज लंबे समय से हमारे साथ शांति से रह रहा है, अब वो अचानक से सैनिक भेज रहे हैं, हमें उनके खिलाफ सैनिक भेजने होंगे। हमारे सैनिक टूबो और शुले राज्यों से बचाव नहीं कर सकते, हमें पश्चिम में ज्यादा सैनिक भेजना होगा। क्या लगता है तुम्हें कौन हो सकता है? वेस्टवार्ड जनरल? महाराज हमें लगता है। महाराज मेरी बात सुनिए, आप मेरी सिफारिश कीजिए, मैं सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हूँ, देश को बचा के रहूंगा। जनरल लिंगू शाही सैनिकों का जनरल है, वो राजधानी शहर की रक्षा करता है, मुझे डर है कि वो पश्चिम में इस लड़ाई तक नहीं है। जनरल टैंग एक अनुभवी जनरल है, वो बेहतर विकल्प हो सकता है। युनक मां पधार रही हैं। महाराज आपका अभिवादन है, दीर्घायु हो महाराज। अनुज मां, आप यहां कैसे? खड़े हो जाइए, खड़े होने में उनकी मदद करो। महाराज को आखिरी बार देखे काफी समय हो गया है, कल रात मैंने सुना कि सीमा पर कुछ समस्या थी, मैं सो नहीं पाया। मैं आज सुबह यहाँ आने में समय बर्बाद नहीं करता, पर मुझे नहीं पता कि मैं बोझ बांट सकता हूँ या नहीं। आप बहुत विनम्र हैं, तो इसलिए मुझे आपकी सलाह चाहिए। महाराज मैं इसकी सराहना करता हूँ। इस बुड्ढे किन्नर ने महाराज को सिंहासन पर आने में मदद की, उन्होंने अपने साथी को पश्चिमी जनरल होने की सिफारिश की, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शाही दरबार में हमें समझना चाहिए कि महाराज पर क्या बीत रही है। अब पश्चिम की ओर सैनिकों को भेजने में देरी करने के लिए महाराज विकल्प में है, वो दरअसल अधिक समय खरीद रहे हैं। पर मुझे नहीं पता उन किन्नरों का क्या करना है। मिस चिंग्यू, मैंने तुम्हारा ये चित्र बनाया है। क्या इसमें आपकी सुंदरता दिख रही है? आपने मुझे खतरे से बचाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अगले जन्म में भी आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अगले जन्म की बात भूल जाइए, मैं बस इस जन्म में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप नशे में हैं। मैंने थोड़ी शराब पी रखी है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। मेरे करीब मत आइए। मिस जिंग्यू, क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा? आ?
लॉन्गशेन मंदिर। कहाँ है वो? वहां उसी घर में है। हाँ? जाओ जाकर उन्हें भटकाओ। फिर से मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, तुम ही जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। ज्यादा देर रुको मत। मैं नहीं रुकूंगी। रुक जाओ इधर, मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ। कौन हो तुम? तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। जल्दी से मेरे साथ एक महफूज जगह पर चलो, मुझे तुमसे बात करनी। तुम मुझे बचाने आए हो? जी हाँ, मुझे ये पता चला कि बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, खासकर दक्षिणी लोग, तो कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तो चलो मेरे साथ जल्दी। सारे किन्नर तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ खास चीज है जो शायद शाही दरबार के बारे में हो। मैं कोई शाही दरबार में काम नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे सब बता दो। यम्मा, वहीं रुको। चलो। लॉर्ड पे, क्या कियानमा का इंतजार हो रहा है? ये औरत कौन है? मैं जिंगी हूँ। ये जो यहाँ खड़े हैं वो न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं, लॉर्ड पे। मैं सोच रहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तो फिर तुम न्याय मंत्रालय क्यों नहीं जाते? ये वहां सुरक्षित है। लॉर्ड पे, मुझे उससे बात करनी है, तो क्या आप हम दोनों को अकेले छोड़ सकते हैं? तो सुंदरबन नगर में जो आग लगी थी वो हादसा नहीं बल्कि किसी ने लगाई थी। जो लोगों ने तुम्हारी जान बचाई वो सारे तुम्हारे बिरादरी के हैं, तो मैं समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उन्होंने पता लगाया कि तुम कहाँ रह रही हो, तो तुमने तुम्हारी नौकरानी को मार दिया और सुंदरबन नगर में आग लगा दी। हाँ? ताकि सब कुछ छिप जाए। मैंने उसे नहीं मारा। मारना चाहता था? मुझे नहीं पता। निकलो बच के। क्या कोई तुम्हें मारना चाहता है? अधिकारियों को क्यों नहीं बताया? भागी क्यों आखिर? मैं शुले राज्य से आई हूँ। आपको पता है मैं कानून के बिना पिंगकांग में काम नहीं कर सकती। उस आग के बाद मुझे डर था मेरी पहचान हो जाएगी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। तुम्हारे पोशाक और अंदाज से तुम किसी मामूली घर की लगती हो, फिर तुम वैश्यालय में क्यों गई?
मेरे पिताजी व्यापार करते थे चैंगन और एनेक्सी के बीच में। बचपन से ही मैं उनकी प्यारी बेटी थी तो इसी कारण मुझे देखना पड़ा समृद्ध राजधानी शहर। लेकिन 3 साल पहले उनकी गाड़ी चोरी हो गई और मेरे पिताजी मारे गए। लेकिन लॉर्ड यंग तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं? मैं सच में नहीं जानती क्यों। तुम काफी थकी हुई लग रही हो, जाओ आराम कर लो। तो मैंने सुना है कि एक जंग छिड़ गई है शूल राज्य और टूबो राज्य के बीच, क्या ये सच बात है? हाँ, मैंने भी ये सुना है, लेकिन उसका इस महिला से क्या लेना देना? ये महिला जो है वो भी शूल राज्य से है, क्या तुम्हें इस बात का इत्तफाक नहीं लगता? ये जिंगयू, इसके कुछ और राज भी होंगे, बताओ तुम्हें क्या लगता है? एक इंसान है जो सारे राज जानता है। कौन? यूनक यांग साहब। मैंने सुना है कि तुम्हें सुंदरबन नगर की वो औरत मिल गई, सही कहा ना? चिंता मत करिए महाराज, मैंने इस केस पर काफी तरक्की कर ली है, मुझे लगता है कि मैं खूनी को पकड़ लूंगा। चिंता मत करो, मुझे केस के बारे में सब पता है। लेकिन आपको कैसे पता? जिंगयू को यहाँ लाओ, जल्दी लाओ। जी समझ गए। महाराज, वो औरत थी जिसे मंत्रालय ने पकड़वाया था। हाँ ये सच है। क्या उससे पूछताछ की? हाँ मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, न्याय मंत्रालय के लॉर्ड लियांग कुछ नहीं जानते। हाँ। जी वो नहीं चाहते कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता चले। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो? जिंगयू, तुमने लगाई हुई आग के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? आपसे ऐसा किसने कहा कि मैंने आग लगाई है? तुम्हारी अपनी नौकरानी से नहीं बनती, तुमने उसे धोखे से मारा तो सबूत मिटाने के लिए तुमने सुंदरबन नगर में आग लगाई। तुम दक्षिण से आई हो गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि तुम कैद नहीं होना चाहती थी, मैंने सही कहा? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने खुद देखा है, क्या आपके पास कोई सबूत है? सुनो, वांग गुचन को पेश करो। जी, घुटने टेको। अरे तुम पकड़ी गई हो। साहब, ये सब जिंगयू ने ही किया है, उसने मुझे उकसाया था और मेरे घर में छुप गई। मिस्टर वांग, ऐसा लगता है तुम बहुत बड़े डरपोक हो। देखिए, लगता है दाल में कुछ काला है। लॉर्ड पी, तुम चुप रहो, क्या तुम भी उस महिला से आकर्षित हो? सुनो, जिंगयू को कैद कर लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, मुझे महाराज से मिलना है। ये तुम्हें इतना आसान लगता है, इसे ले जाओ, कैद कर लो। महाराज की जय हो। हमें उसका पता लग गया है, चलो देर मत करो, जाओ यहां से। जी महाराज। चलो रुको। बुरी खबर है, इतनी बड़ी बुरी खबर है और तुम आराम से बैठकर यहां पर लिख रहे हो। तुम मुझे मत बताओ कि बुरी खबर क्या है, मुझे सोचने दो। चिंता मत करो, तुमने जो सोचा है उससे अलग है।
वो इनोज तुम्हारी चाल में नहीं फंसा तो फिर तो उसने बड़े अधिकारियों से जियांगियो की रिपोर्ट लिखने के लिए कहा है, समझे? जियांगियो इस समय उनकी कैद में है। कंधे पर बंदूक रखकर यह जोखिम से भरा काम है। जोखिम? देखिए, मैं बस एक वैश्या हूं, मुझे फंसाया गया है। मैं बिना पैसे और खजाना लिए वहां से भाग निकली। आप ये केस मेरे लिए सुलझा दीजिए। तो तुम मुझे दे दो, तुम मरोगी नहीं। क्या दूं आपको? नाटक मत करो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। शूले राज्य का खजाना। मुझे सच में नहीं पता, जरूर कुछ गलती हुई है। कुछ दिनों पहले की बात है, वहां एक मेहमान आए थे। वो दिखने में बहुत अच्छे थे। उसने कहा कि वो शूले से हैं। मुझे याद है कि वो दिल का नेक था, लेकिन फिर उसने मुझे कुछ पैसे दिए, फिर वो चला गया और फिर कभी यहां वापस नहीं आया। सच में? सच में। मेरी स्थिति का अंदाजा लगाएं, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूं। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रही हो तो मैं इस दुनिया से तुम्हें गायब कर दूंगा। यकीन नहीं आता यूनक यांग इस तरह से निकल गए। मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने कहा यूनुच यांग एक कमांडर की तलाश में था, वो शायद गलत इंसान है। कमांडर की सेना और शूल राज्य? क्या कहा? इसे ध्यान से देखो। क्या? मुझे नहीं पता ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये क्या मजाक है, मुझे बताओ मेरे महान जासूस। तुमने कहा था तुम मुझे शराब पीने के लिए बुलाओगे त्योहार से पहले। हाँ, लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा मामले हैं। अगर मैंने ये मामला सुलझा दिया और मैंने तुम्हारा काम कर भी दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा? मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। जल्द ही मैं जियांगियो को सैनिकों के हवाले कर दूंगा। इस मामले को सुलझाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। और वैसे भी मैंने सुंदरवन के आदमी को ढूंढ लिया है, मेरा काम हो गया। हाँ? जो इंसान जुबान का पक्का नहीं होता वो कुछ नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। वो जो चिट्ठी है वो यूनक यांग की धोखेबाजी के बारे में है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल यूनक यांग को जिंगयू चाहिए जो उस एक आदमी को ढूंढ सके जिसे सेना के बारे में पता है, जो शूल राज्य की पूरी सेना पर कब्जा कर देगा। और तो और, ये चिट्ठी यूनक यांग ने लिखी थी शूल राज्य के सेनापति के लिए। चिट्ठी में हमले की तैयारी करने को कहा है। पर मैंने सुना है कि ट्यूबो और शूले राज्य ने गुमो को हराया है और हम पर हमला करने वाले है। शायद ये झूठी खबर भी हो सकती है। लगता है वो लोग महाराज को फंसा रहे हैं। अगर गलती से भी उन्हें सेना मिल गई ना तो ये झूठी खबर सच भी हो सकती है। समझ गए? बेशक यूनुच यांग इसमें शामिल हुए जब वो सेनापति चुन रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ किया इसलिए महाराज ने उनकी सुन ली। उनकी नरों ने काफी मेहनत ली है महाराज को रुकाने में और शाही दरबार के हस्ताक्षेप में। ये सब उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यकीन है ये गलत है। सुनो, मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। यांग का नाम उस चिट्ठी पर नहीं है तो वो जरूर पलटवार करेगा ये कह के कि हम उसे फंसा रहे हैं। और एक और बात, मुझे समझ नहीं आता कि वो हत्यारे आखिर जिंगुई के पीछे क्यों पड़े थे। हम लॉर्ड लिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, वो यूनक यांग से बिल्कुल जुड़ा हुआ है।
और तो और अब हमें जिंगुई को बचाना होगा उसे कैद में ले जाने से। ये सब मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। एक बात याद रखो, जिंगुई खतरे में है। और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? यूनक यांग ने जो हथियारे भेजे थे वो खजाना गली में इस वक्त छुपे हुए हैं। तुम अभी कुछ सेना लेकर जाओ और उन्हें पकड़ लो। मैं मौका देखकर जिंगुई को बचा लेता हूँ। और ये काम तुम महाराज के नाम पर करोगे, किसी को शक भी नहीं आएगा और महाराज तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। ठीक है। चलो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हमारे साथ चलो। इस वक्त मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुम्हें तुम्हारी सेना को बचाना है ना तो अभी हमारे साथ चलो। मैंने सुना है वो हथियारे शूले राज्य से है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। हो के हथियारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंगेन में हत्या करने की? अब तुमको मरना होगा। जल्दी मार दो इन सबको, कोई भी बचने ना पाए। लॉर्ड पी, ये सारा श्रेय न्याय मंत्रालय को जाता है। मैं महाराज से बात करूंगा तुम्हारे पुरस्कार के लिए। आपका शुक्रिया। शायद वो खुफिया चिट्ठी भी उन्होंने ही ली थी। ये वही है? हाँ ये वही है। इनुच, क्या हुआ? कोई न्याय मंत्रालय में घुस के जिंगियों को भगा ले गया। अच्छा ठीक है, हम लोग यहां छिप सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम मेरे पास आए थे, ये मेरे खिलाफ ही सबूत बन सकता है। देख रही हो कि मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूं? जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल जाओ। हाँ तुम एक अच्छी जिंदगी जीते हो, लेकिन अब तुम शाही दरबार में काम नहीं करते तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ऐसा मुझे नहीं लगता।
और अगर मैं जो कह रहा हूँ वो सही है तो तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। क्यों? देखो, मैं कोई ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तुम शूल राज्य से आती हो जिसका टैंग के साथ बहुत ही अच्छा नाता है, उन दोनों के बीच व्यवहार अच्छे हैं, लेकिन 3 साल पहले शूल राज्य के महाराज गुजर गए थे, तो शूल राज्य के जो राजकुमार थे जो बहुत ही खूबसूरत है अचानक से गायब हो गए, और महाराज मरने के बाद राजगद्दी वो बिल्कुल खाली सी हो गई। फिर महाराज के किसी रिश्तेदार ने राजगद्दी हत्या ली। वो चाहते थे कि राजकुमार वापस आने चाहिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी सेना वापस लाने के लिए, ताकि वो अपनी सेना बढ़ाकर अपने राज्य का विस्तार करें। सही कहा, वो राजकुमार जो तुमने कहा वो मेरा भाई है। पिताजी बीमारी से नहीं मरे, उन्हें चाचा कांजी ने मारा। मेरे भाई और मैं शुले शहर से भाग निकले और चांगान शहर में आ गए। हमने राजा से मदद मांगी, लेकिन हमें लगा नहीं था कि हमें राजा से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। जब हम मौके का इंतजार कर रहे थे, पुराने महाराज चल बसे और चाचा कांजी ने हमें मारने के लिए हथियारे भेजे। फिर मैं मेरे भाई से बिछड़ गई, मुझे एक वैश्याले में रहना पड़ा मौके के इंतजार में। अब मैं समझ गया। तुम्हारे पिताजी को मारा था, भूल गए क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात लॉर्ड पे को मिलो और उनसे कह दो कि मुझे महाराज से मिलना है। महाराज, मैं बस इतना ही जानता हूँ। सब फायदे का सोचते हैं तो न्याय मंत्रालय क्यों ना सोचे? इन किन्नरों की हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा मत कीजिए महाराज, ये कोई बुरी बात नहीं है। इस मसले को सुलझाने का फैसला लिया है, पर दरबार के अधिकारियों की उन किन्नरों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। एक छोटी सी गलती सब बिगाड़ सकती है। इनुष्मा ने मुझे गद्दी पर बैठने के लिए मदद की थी, उनका योगदान देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको पूरे देश की चिंता है, हम माफी चाहते हैं कि हम आपका बोझ हल्का नहीं कर सकते। लॉर्ड पी। जी महाराज। क्या तुम्हें जिंगियों की कोई खबर मिली? नहीं महाराज, अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है अगर ये सच है तो हमें टूबो और शुले का गठबंधन तोड़ना होगा। इस मामले को सुलझाने से पहले किसी को बताना मत। जी महाराज। यूनक। मुबारक हो जनरल लिंघू। यूनक, माँ ने मुझे बताया कि मुझे सरहद पर जाना है। तुम इस राज्य के काबिल सेनापति हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दक्षिणी सेनापति बनता देखना चाहता हूँ। न्याय दरबार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मुझे हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं रखना। एनुचमा का सौतेला बेटा होने के नाते तुम्हें उसके लिए और अपने लिए कुछ करना होगा। और रही बात शूले की युद्ध की, तुम उसे लड़ सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते और हार भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा क्यों महाराज? अगर तुम जीत गए महाराज तुम पर यकीन नहीं करेंगे, अगर तुम हार गए तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, और जब तक तुम सरहद पर हो महाराज तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि महाराज मुझ पर यकीन जरूर करेंगे। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। महाराज के हिसाब से हम तो बस पुराने किसी काम ना आने वाले नौकर है, और जब तक तुम अपनी ताकत सरहद पर बढ़ा सकते हो, किन्नर अपनी ताकत नहीं खोएंगे, और वो भी न्याय दरबार में। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? चिंता मत कीजिए महाराज, आपने जो जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। आपने और जूनच माँ ने मुझे यहाँ तक लाया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। हुँ?
सुनो, तुमने इस औरत को देखा है? नहीं देखा। क्या? ध्यान से देखकर बताओ। अरे नहीं देखा। सही बोल रहे हो? सही में। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें ये चीज कहां से मिली? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? एक संदेशा देने आया हूँ। अगर क्यूमा से मिलना चाहते हो तो शुले की महिला का उसके साथ सौदा करो। सौदा? आज रात को उत्तरी इलाके के जंगल में। चलो। महाराज बोलो, ऐसा कहा गया है कि शुले के महाराज को एक ही बेटा है जिसका नाम पुगु है। उसे सिर्फ एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है। क्या बात है? महाराज ने तुमसे मिलने के लिए हाँ कर दी। मेरे साथ चलो। क्या महाराज मिलना चाहते हैं? हाँ। तुम आज महाराज से मिलकर सब कुछ बता दो। मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? ये मौका मत गवाओ। किरण माँ को पकड़ लिया है जिंगुई के सौदे के लिए। तो ये पहले बताना था, किसी और को भेजता हूँ किरण माँ को लाने के लिए। अब बहुत देर हो गई। वो अब राजकुमारी नहीं रही। अगर मैं उसे नहीं ले गया तो इसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। तुम चलो मेरे साथ। जाओ। अरे तुम्हें जैसा लगता है वैसे कुछ भी आसान नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां पर बांधने की? मैं न्याय मंत्रालय का मंत्री हूं। ये मेरे भाई का है, मेरे लिए रख लो। हाँ? अरे मत जाओ, वापस आओ। तुम ऐसे ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती। बकवास बंद करो, मुझे वो सेना दे दो। मैंने कहा ना, मेरे पास सेना नहीं है। अब जब तुम यहाँ हो, तुम्हारी जबान की कोई कीमत नहीं। क्या पीने के लिए कुछ है? मुझे प्यास लगी है। मैं तुम्हें बाद में पिलाऊंगा। वो सुई काफी जहरीली है। अगर तुमने अंदरूनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया तो तुम वाकई में जल्दी से मर जाओगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांध कर रखने की? ढूंढो उसे। जी। क्या ये सुई वाकई जहरीली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस यूना के बिल्कुल भी बराबरी का नहीं हूँ। चलो फिर चलकर उन्हें मिलते हैं। चलो, हम वापस कक्षाओं नहीं जा सकते, नई जगह ढूंढनी होगी। चलो। दो दिन पहले लिंगू मुझसे मिलने आए थे। जब हम खुद अपना काम करते हैं हम ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते। हाँ, हाँ।
क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम्हें लगता है कि मैं अनजान रहूंगा हा? तुम्हारी इस हरकत से मैं बुढ़ा हूं पर होश में हूं। तुम मुझे मरवा कर ही रहोगी, सही कहा ना? हाँ, अरे तुम बहुत बड़े कमीने हो, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई, अब पछता रहा हूँ, तुम्हें तो मार देना चाहिए था। तुमने कहा तुम काफी बूढ़े हो चुके हो, तो अब जाकर ठीक से आराम करो, तुम्हारा मरना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। मरे हुए राजाओं को तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम्हें पता है क्या करना है? एनुचमा गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कपड़े देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या सोच रहे हो? न्याय मंत्रालय को मामला सुलझाने में मदद करनी चाहिए। मैं समझी नहीं। मैं लॉर्ड पे को थोड़ी सी रिश्वत दे दूंगा और उसे कहूंगा जिंगुई को छोड़ दे। तुम पागल हो? जरा संभल कर, मेरे पास एक योजना है। आप चले गए मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, आप चले गए। महाराज, आपको उन हथियारों को ढूंढकर निकालना होगा। बताओ इनुचमा को किसने मारा? किसने मारा उन्हें? महाराज, दरअसल मैंने बाहर कोई आवाज सुनी, मुझे अजीब लगा, मैंने सैनिकों को कह दिया। जब सैनिक अंदर आ गए, बहुत से हत्यारे भाग चुके थे और यूनुच माँ के मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें उन्हें महाराज की सुरक्षा करनी है, और बाकी सारे हत्यारे भाग चुके थे। सिर्फ दो हत्यारों को सैनिकों ने घेर लिया था, वो कैद नहीं होना चाहते थे, और अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। महाराज, वो शूले के हथियारे हो सकते हैं, वो आपको मारना चाहते थे। मैंने एक और चीज देखी है, जिंग्यू कोई खुफिया हरकत करने वाली है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, दरबार के कुछ धोखेबाज दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, पिताजी की मौत का बदला लेना है। महाराज, सारे शाही सैनिकों को बुला लाओ, चलो, और बाकी हत्यारों को पकड़ने की कोशिश करो। यूनुच, क्या हमें पूरे शहर भर में ढूंढना है? वो औरत जानती है सेना कहां पर है, और तुम हर वक्त सावधान रहना, क्योंकि कुछ और लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। यूनुच, न्याय मंत्रालय से एक गुप्त खबर है। तुमने जो कुछ किया, मैंने जांच पड़ताल की है। चैंगेन में हत्यारे तुमने ही भेजे थे ना? क्या तुम्हारे पास सबूत है? हमारे महाराज को मारने की कोशिश, यही एक सबूत है, ले जाओ। जी। तो आखिर यह है सच्चाई, तो तुम्हारा काम हो गया। केस कैसे सुलझ सकता है? पर तुमने तो कहा कि वो असली राजकुमारी नहीं है। ये मुश्किल है कहना कि कौन सच्चा है कौन झूठा। अगर जिंगुई महाराज से मिलती है तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं समझी नहीं। मैं जल्दी सबसे बाहर निकलने वाला हूँ और शराब के मजे लेने वाला हूँ। रुको,
मुझे नहीं लगा था कि हथियारों को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। हाँ, लॉर्ड लियांग, यही तो मेरा काम है। चलो। लॉर्ड लियांग, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? फिजूल के सवाल मत करो। लेकिन महाराज उससे बात खुद करना चाहते हैं। हाँ। लॉर्ड पी, तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो मुझे पता नहीं है? मुझे बस ये नहीं पता कि जिंग्यू कैद से कैसे बच निकली। पेजुन, तुम बाहरी देशों से बात करने की कोशिश करते हो, इसे पकड़कर लेकर आओ। हाँ। क्या? मुझे बताओ, सेना कहां पर है? इनचियांग, तुमने एक बड़े अधिकारी को कैद किया है, तुम्हें तो मौत मिलनी चाहिए। लॉर्ड पी, तुम अधिकारी की तरह पेश आओ। जिंग यू, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मार दो इसे। हाँ? जिंग यू, मेरी तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर बताता हूं, मेरे पास सेना नहीं है। सुयानन ने कहा कि सेना के साथ आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। वो चाहता था कि वो महाराज के सामने पेश हो, और अब सच छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? पीजुन और जिंग्यू दोनों हमारे कब्जे में है, लड़ो मत अगर तुम नहीं चाहते कि वो मरे। ओ, तो वो तुम थे? मार दो इन्हें। उसे मारना मत, रुको। लॉर्ड पे और जिंग्यू कहां पर है? इनचियांग के पास। मुझे मत मारो। तो फिर तुमने हम पर हमला क्यों किया? क्योंकि लॉर्ड पी ने कहा था तुम्हारे पास सेना है। तो पेजुन ने आखिरकार कोई चालाकी दिखाई है? हाँ, तो यूनक यांग जो है वो न्याय मंत्रालय संभाल रहे हैं, और तुम हमेशा मेरे साथ रहना। वो मुझे यूनक यांग से मिलाने ले जाने वाला है। फिर तुम इसके बारे में लॉर्ड गुओ से जाकर कह दो कि वो यांग महल को घेर लें। एक बार महल में जाने के बाद अगर मैं बाहर नहीं आ पाया तो समझ जाना कि जिंगुई अंदर ही है, और मेरे बारे में मत सोचना, सैनिकों को भेज देना। यूनक यांग महाराज के साथ वफादार नहीं है। अगर तुमने हमारी मदद की तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, और अगर तुमने हमें फंसा दिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। चलो। मिलकर खुशी हुई। यूनक यांग, मेरे पास सेना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि सेना कहां पर है। हाँ, दरअसल मैं बहुत ही ज्यादा चालाक हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शूल राज्य क्या है या फिर शाही दरबार क्या है। जहां तक वो मेरे लिए फायदेमंद है, हम बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। मैं इसकी कदर करता हूं। शुक्रिया यूनक।
तो बताओ क्या मुनाफा चाहिए तुम्हें? जैसे कि वो कहावत है, एक नायक खूबसूरत औरत को कभी भी मना नहीं करता। ठीक है, जब तक तुम मुझे सेना दे रहे हो तब तक जिंग्यू तुम्हारी है। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे पहले उसे मिलना है। चलो चलते हैं फिर, उसे मिल ही लेते हैं। अगर तुमने मुझे सेना दी तो तुम उसे मिल सकते हो, ठीक है? कुछ बात है जो तुम नहीं जानते। मान लो कि अगर मैंने तुम्हें सेना दे दी तो जिंगुई मुझे जिम्मेदार ठहराएगी, तो मैं वापस कभी उसके साथ घर नहीं जा पाऊंगा। वो शायद मुझे मारने का प्रयास भी करें, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ तुम समझ रहे हो। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि सेना कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे कैद कर लिया और जिंगुई के साथ बंद कर दिया, दरअसल मैंने उसे एक वादा किया है पहले, मैं नहीं बता सकता वो कहाँ पर है, क्योंकि तुम्हें जिंगुई को मारना है और उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सेना कहाँ पर है। तरकीब अच्छी है। अरे, तुम यहां पर कैसे आए? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तुम आखिर जिंदा कैसे हो? तुम्हारे कारण। जब तुम मेरी मदद मांग रहे थे तब तो तुम ऐसे नहीं चिल्ला रहे थे, और अब तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। देखो जिंगुई, क्या तुम ठीक हो? इतनी घटिया योजना तुम्हारी ही थी हा? जो जिंगुई को बचाने के लिए मुझे भेजा, और अब देखो। तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है? हाँ, मुझमें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। गाओ चेंगजी, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत? महाराज ने आदेश दिया है, तुम सभी ने शुल राज्य से धोखाधड़ी करने की कोशिश की है। अगर उसने यहां आने की हिम्मत की तो वो मारा जाएगा, वो भी मेरे हाथों से। और सुयेनान का क्या करें? एक बड़ा खेल आरंभ हुआ है, इस खेल का सही पल आने को वक्त है। जाओ जाकर सारे सैनिकों को झाड़ियों में छुप जाने का आदेश दो। अगर कोई आता है तो उसे बुरी तरह से मार डालो। जी, चलो। चल। अरे कहां ले जा रहे हो मुझे? बताओ मुझे सेना कहां है? मुझे पता है। तुम्हें? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मार दे। अच्छा, अगर तुमने बताया कि वो कहां पर है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल है। तुमने कहा था कि तुम शूले की राजकुमारी हो, लेकिन शूले के राजा को तो कोई बेटी ही नहीं थी। इसका मतलब तुम हमसे झूठ बोल रही थी। सुयेनान! और कांजी राजा बनने के बाद राजकुमार पुगू काफी नाराज थे। उन्होंने तुम्हें कहा था चांगनान पर सेना लेके आने, ताकि वो लोग शूले राज्य पर किसी दिन हमला कर सके और टैंग राज्य के साथ कांजी को मारकर पुगू को राजकुमार बनाया जाए। सही ना? मुझे लगता है कि जिंगुई, क्या तुम्हें यह सब करना जायज लगता है एक धोखेबाज के लिए? तुम कितने कमीने हो जिंगयू। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, सेना कहां पर है? तुम जो सेना चाहते हो वो उनके पास है। संभल के।
बढ़िया, सब यहाँ पर है। माफ करना जिंगुई, नहीं राजकुमारी पुगु, मुझे तुम्हें बचाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। अच्छा। यूना चैंग, शाही सैनिक तुम्हारे महल की झाड़ियों में छिपे हुए हैं, जैसे ही उन्हें खबर मिलती है वो यहाँ आ जाएंगे और हिसाब बराबर होगा। ऐसा लगता है तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। यूनिच यांग, अब तुम मर जाओगे। सुनो, क्या सच में ये जोखिम उठाना चाहते हो? अगर कुछ, मुझे लगता है यही एक रास्ता है। अगर लॉर्ड गुओ को खबर मिल गई तो मुझे पूरा यकीन है कि शाही सैनिकों के दम पर हम ये युद्ध पूरी तरह जीत पाएंगे, और अगर उन्होंने जिंगुई को भीड़ में मार दिया तो हम लॉर्ड गुओ को फंसा कर उसे दुश्मनों के साथ भिड़ा देंगे। इस तरह उसकी बेगुनाही साबित नहीं होगी, इसीलिए मुझे ये जोखिम उठानी है। मुझे पूरा यकीन है कि शाही सैनिक यूना चैंग को सच बताएंगे। अगर उसने नहीं बताया तो? यूना चैंग बहुत ही ज्यादा क्रूर है, उसके सैनिक कभी भी उससे झूठ नहीं कहेंगे। हमें स्थिति देखकर उस वक्त काम करना होगा। अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा हुआ तो मैं जाकर जिंगुई को बचा लूंगा। वो हम सभी लोगों को मार नहीं पाएगा क्योंकि उसे हमसे सेना की जानकारी जो चाहिए। क्या कह रहे हो? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैंने जो सोचा है वो हुआ तो वो हमारा पीछा करेगा और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे उसी के महल के बाहर जहाँ हमारे शाही सैनिक हैं। इस दौरान तुम भी हमारा पीछा करना, जैसे ही तुम्हें जगह का पता चले तुम लॉर्ड गुओ को बताकर कुछ आदमी लेकर आना। महाराज आ गए हैं, अपने हाथ ऊपर करो। तो क्या यही तुम्हारी मुझसे वफादारी है? सही कहा, ये तो मैं हमेशा ही करता हूं। तुम क्या कर लोगे मेरा, घटिया इंसान? क्या कर लोगे मेरा? अरे इतनी हिम्मत, पकड़ लो इसे। Ah!
यूने चेंग, तुमने कांजी के साथ हाथ मिलाया और पूरे राज्य को तबाह कर दिया। तुम्हें मरना ही होगा। कौन सा राज्य? किसका राज्य? किसका समाज? एक कुत्ता भी जिंदगी जीना सीख लेगा। राज्य और समाज को बदनाम करना, लोगों को परेशान करना, ऐसी बेहुदा जिंदगी जीते हो तुम। एक आदमी अपने वजूद के लिए जीता है और मरता है। ऐसी खराब जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं महत्वाकांक्षी हूं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहां पर तो सब बुरे लोग हैं, सिर्फ बुरे लोग। महाराज, मैं पुगु हूँ, शुले की राजकुमारी। पुगु असल में एक औरत है, तुम सच में एक नायक हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। शुले और हमारे रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। तुम्हारे पिताजी चेंगेन की काफी मदद करते थे। उम्मीद करता हूँ तुम जब लौटोगी तो ये सब खत्म करके शांति और अमन फैलाओगी। पिताजी अभी भी कांजी के कब्जे में हैं, बिना आजादी के। अगर मैं वहाँ अकेली गई तो मैं जीत हासिल नहीं कर पाऊंगी। राजकुमारी, सेना को ढूंढने के लिए कांजी बहुत कोशिश कर रहा है, तो ये जाहिर है कि लोग उसके साथ नहीं है। जब तुम वापस आ जाओगी, तुम लोगों को अपने विश्वास में लो। इस दुनिया के सारे लोग शांति और अमन से जीना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपनी सेना को वापस बुलाएं, शुले में शांति लाकर पिता को रिहा कर दें। मेरे पास सीमा पर इतने सैनिक नहीं हैं, और अभी पता चला है कि ट्यूबो घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने सीमा से सेना वापस बुला ली तो वो लोग अंदर घुसकर पूरे देश में तबाही मचा सकते हैं। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें दक्षिणी सेनापति बनाता हूँ और तुम्हारे लिए चेंगेन से सेना भिजवाता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। क्या लगता है? आपका शुक्रिया। सुनो, मुझे जरा आराम से बैठने दो, प्लीज तंग मत करो। शुक्रिया यानान, मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। इसकी जरूरत नहीं, सेनापति पुगु। सुनो। हाँ? ये मुझे वापस दे दो। लेकिन तुमने तो... तुम्हें क्यों लगता है कि ये तुमसे प्यार करती है? लगता है ज्यादा पी ली तुमने। लो। ये है वो सेना। सेना? अलविदा। मुझे अलविदा कहना अच्छा नहीं लगता, मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। यानन, तुम्हें कैसे पता कि वो मैं थी? क्योंकि तुमने उस दिन मर्दों के कपड़े पहने थे और वो तुम पर जच रहे थे। तुम महाराज लग रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि शूले राज्य की राजकुमारी तुम्हें ही बनना चाहिए। यानन मुझे माफ कर दो, ये काम जरूरी था इसलिए मैं अपने बारे में बता नहीं पाई। मेरे पिताजी के तांग के साथ अच्छे रिश्ते हैं और हम शांति से जीते हैं, लेकिन मेरे चाचा कांजी के इरादे बुरे थे, बहुत ही बुरे थे। उन्हें राजगद्दी पर आना था, राज्य का विस्तार करना था। हालांकि पिताजी राजी नहीं थे, कांजी ने फिर दूसरे रास्ते चुन लिए जो मेरे पिताजी को पसंद नहीं थे, तो उसने मेरे पिताजी को कैद कर लिया। राजगद्दी से ज्यादा मुझे लोग ज्यादा अहम है। अगर कल को फिर से युद्ध हुआ तो वो लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। अब चलना चाहिए।
हम्म।